नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यंदु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाय सेल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोगों को रेगुलर व्यू देता हूँ और जो फाइल मैंने मेरा व्हाट्सएप पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता हूँ, जिसमें आप लोग भी ज्वाइन हो सकता है फ्री ट्रायल के लिए। उसका लिंक यूट्यूब वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसका आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा वो आप लोगों को दिखाऊंगा, जरूर देखिए। वो दिखाऊंगा जो इनसाइड दबार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, 100 डे मूविंग एवरेज का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और कैंडलस्टिक पैटर्न और फिबोनाची लेवल का स्ट्रेटेजी में कैसे स्ट्रेट कर सकते हैं आप लोग, तो वही दिखाने का कोशिश करूंगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। देखिए अगला दिन का फाइल मैंने शेयर किया था, उसको मैंने इधर डाउनलोड कर लिया। तो उसका आज का परफॉर्मेंस कैसे रहा देखते हैं। तो मैंने कुछ भी स्टॉक्स एक बार देखिए, मेरा कुछ स्टॉक्स इधर लगा हुआ है, वो दिखाने के लिए सुविधा होगा, नहीं तो स्टॉक प्रॉब्लम हो जाएगा। सोच लीजिए मैंने कुछ भी स्टॉक्स इधर, कुछ रिकमेंडेशन भी दिया था इधर, मैंने एक्सिस बैंक, SBI, एशियाट ट्रांसपिन, स्कॉट्स, ग्रासिम, ये सब दिया था। तो मैंने इधर चार्ट कैसे चार्ट पे ली, मार्केट वॉच में भी देखना चाहिए कैसे हाई हो, कहाँ पर आप लोग देख सकता हूँ चार्ट आ जाएगा। जैसे लेवल 1, 2, 3 रहता है, बहुत सारा इंडिकेटर्स रहता है जिसका देखे आप लोग स्क्रीन कर सकता है। तो ये आप लोग अगला वीडियोस देख लीजिए और इसको देखते हैं। सोच लीजिए मैंने इस बैन को दिखाना चाहूँगा, इस बैन का चार्ट कैंडलस्टिक का देता हूँ। तो इसमें देखिए SBIN का जो बाय लेवल था, SBIN का जो बाय लेवल था 334 बाय लेवल था, तो 331 इसका सेल लेवल था। तो इसका देखते हैं कहाँ पर ओपन हुआ था, ये इधर ओपन हुआ था 332 में ओपन हुआ था। तो उसके बाद ये 334 SBIN कहाँ गया, 334.06 के ऊपर 335.40 तक गया था, 1 रुपया का ऊपर प्रॉफिट था। और नीचे बाय लेवल का सेल लेवल का 331.60 में जब नीचे आया था, देखिए इसमें आप लोग को इतना आ गया था, 329 तक आ गया था। तो इस बैन हो गया, उसके बाद और भी देखता है, स्कॉट्स को देख लेता है, मैंने जो रिकमेंडेशन दिया था उसी को अंदर दो दिखा देता हूँ। उसके बाद और भी मेरा जो बाय सेल लेवल दिखाया था उसमें आप लोग देख सकता है। मैं अगला दिन बाय सेल लेवल का वीडियो मैंने दिया था, उसका और भी स्ट्रेटजी जो दिया था उसको भी दिखाना का इरादा है, तो इसीलिए दिखाता हूँ। ये स्कॉट्स देखिए 647.63 का ऊपर बाय लेवल था, 646 में सेल लेवल था। तो देखता है स्कॉट्स कितने में ओपन हुआ था, स्कॉट्स ओपन हुआ था 650 में ओपन हुआ था, सॉरी 646 में ओपन हुआ था। तो आप लोग नेक्स्ट बाय लेवल में एंट्री ले सकते थे 649 या 650 के ऊपर एंट्री ले सकते थे, उसके बाद एंट्री ले सकते थे। तो इसके बाद ऊपर गया था 660 तक, इधर दिखा रहा है 660 तक एंट्री ले सकते, ऊपर गया है। तो और सेल लेवल था 644 के नीचे शायद आया नहीं था, 644 के नीचे शायद आया नहीं था।
तो ठीक है, ये बाय लेवल एंड सेल लेवल दिखा। उसके बाद आप लोग को वो जो 100 डे ईएमए में कौन सा स्टॉक्स में फॉर्मेशन हुआ था वो दिखाना था। वो मतलब 100 डे ईएमए अगला दिन का कैंडल को 100 डे ईएमए जिस जिस स्टॉक्स में काट किया था उसका लेवल, उसका बाय लेवल, बाई हाई या लो तोड़ेगा तो ये प्रॉफिट में आना चाहिए। तो कुछ भी देख लेता है, एसीसी में दिखाता है, एसीसी को देखता है। एसीसी इसको देखिए आप लोग, आप लोग को वन डे का चार्ट दिखाता हूँ। डेली चार्ट मैंने कैंडल स्टिक में करता हूँ, इसमें 100 डे में है क्या, इसमें 100 डे में नहीं है, मैंने दूसरा कुछ करता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं इधर 100 डे ईएमए का जो चार्ट है, 100 डे में इसको काट किया था। आप लोग भी काल का कैंडल देख सकते हैं, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये 100 डे ईएमए ये काल का ये इसको काट किया था, काल का कैंडल को ये काट किया था। तो उसके बाद ये इसका हाई लो जिसका एसीसी का 525 जो ब्रेक हुआ था ये 530 तक गया था। तो और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोच लीजिए अदानी पावर तो छोटा होता है, बैंक बड़ौदा ये भी छोटा है, इक्विटास ये भी छोटा स्टॉक्स है, गेल भी छोटा स्टॉक्स है। देख लेते हैं ग्लेनमार्क को एक बार देख लेते हैं, तब भी छोटा ही स्टॉक्स दिख रहा था। महिंद्रा फिनांस इसको देखते हैं, महिंद्रा को देखता है। देखिए महिंद्रा में इसका काल का 547 हाई लो था, और उसके बाद 547 हाई था, उसके बाद ये जब ब्रेक किया था 547 से 557 तक ये हाई गया था। तो इसमें आप लोग देख लिया कि 100 डे ईएमए का स्ट्रेटेजी का परफॉर्मेंस, और जो दिखाना है उसमें है इनसाइड द बार और कुछ कैंडलस्टिक का पैटर्न। पता नहीं मैंने इधर इतना टाइम में दिखा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन आप लोग पिछले वाला वीडियोस भी देख सकता है। इसमें देखिए Nr4 Nr7 डे का चार्ट में सोच लीजिए आई सी आई सी आई बैंक वन डे का इनसाइड द बात था। आई सी आई देखिए ये जो अगला दिन का कैंडल था, ये जो अगला दिन का कैंडल था इसका अंदर उसका कैंडल रहा था। उसके बाद आज का हाई तो ब्रेक नहीं कर पाया, 546 के इसका हाई नहीं गया, 546 का हाई नहीं गया था। इसका 538 लो के नीचे भी ज़्यादा नहीं आया था इसका ब्रेक होने के बाद। एक्चुअली ये इसका हाई लो ब्रेक करना पड़ेगा, ये जो अगला दिन का वन डे का कैंडल है इसका हाई तो वो तो करंट डे था, ये आज का कैंडल है। तो ये वन डे का इसका कैंडल ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसमें स्ट्रैटेजी नहीं काम कम मतलब लेवल नहीं आया है। और देखते हैं इधर सोच लीजिए कुछ भी देख लेता है, नेस्ले इंडिया को देख लेता है, नहीं तो इसको छोटा स्टॉक है रिलायंस को देख लेता है, Nr4 Nr7। रिलायंस को देख लेता है, ये अगला दिन का लो ये ब्रेक हुआ था, अगला दिन का लो था 539-65 और 538-40, ये ज़्यादा नहीं आ पाया। तो इधर और भी स्ट्रेटजी देख लेता है, इधर हायर हाई हायर लोस था, पीवीआर को देखते हैं, पीवीआर को देखता है ये कुछ एंट्री बना था कि नहीं बना था। देखिए ये तीन दिन से हायर लो बना था, इसका जब लो ब्रेक हुआ था 1894 इसका जब लो ब्रेक हुआ था ये आज 1894 से 1873 तक